ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं आया फैसला, 9 मई को होगी सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि उसने जांच में इतना समय क्यों लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल हुए थे पेश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी। कोर्ट रूम से निकलते वक्त उन्होंने कहा, एचडी रेवन्ना ने इतना कुछ किया, उनको छोड़ दिया, मुझे पकड़ रखा है। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर हुई वोटिंग। अमित शाह, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य से लेकर डिंपल यादव और शिवराज सिंह हैं मैदान में। कोलकाता नाइट राइडर्स के चार्टर्ड प्लेन को पहले गुवाहाटी फिर वाराणसी में करना पड़ा लैंड। कोलकाता में खराब मौसम की वजह से 2 बार फ्लाइट की लैंडिंग हुई थी फेल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मतदाताओं से की भावुक अपील। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। वहीं उन्होंने वोटिंग में कई जगह गड़बड़ी के आरोप लगाए। शेयर बाजार में एक बार फिर से भूचाल, सेंसेक्स 385 अंक गिरा। झटके में 5 लाख करोड़ से ज्यादा हुए स्वाहा। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ली रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। कांग्रेस ने दिल्ली में सचिन पायलट, चौधरी विजेंद्र सिंह और डॉक्टर सीपी जोशी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया। नोएडा में आप विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे की गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप कर्मचारी से की मारपीट, केस दर्ज। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।